बचकानी बुद्धि में लोग बताए कि दो भाइयों का स्टेट का झगड़ा था, ऐसा नहीं है। ये केवल कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। चीन से गांधार से लेकर तो श्रीलंका तक के राजा वहां इकट्ठा आए थे कि सब तर्क हो गए, सब युक्तिवाद हो गए, धर्म का निर्णय करना है। धर्म पांडवों के पास है कि कौरवों के पास है, निर्णय हो नहीं रहा है। अब एक ही उपाय है, जिस बात का निर्णय किसी बात से नहीं होता उस बात का निर्णय शक्ति करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अंततोगत्वा हो ही जाता है। इसलिए सज्जन लोगों को भी वो इस नियम से नहीं चलते और नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनके पास लाठी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दुष्प्रवृत्ति भी सदा रहेगी। तो व्यापक मनुष्यता और राष्ट्र का भी ये प्रसंग है हमारे जीवन में, वो भी आता है। हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमको अपना सुख दुख मान अपमान अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के साथ जुड़े कई बार अनुभव आता है। आजकल हम लोग कभी घूमने विदेश जाते हैं तो गर्दन ऊंची करके चल सकते हैं, चलते हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे देश की स्थिति बदल गई। ये युद्ध धर्म युद्ध है। हो सकता है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र इनका झगड़ा होता तो कृष्ण बीच में बैठा के मध्यस्थी करके स्टेट बांट के कर देते। भीष्म ने कर दिया था, भीष्म ने बांट दिया था इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, लेकिन ये उसका सवाल नहीं था। धर्म अधर्म का, समाज की धारणा का, समाज के मूल्यों का, इस देश में जो माताओं के प्रति दृष्टि है मातृवत परदारेषु, उस मूल्य का सवाल था। और इतना ही नहीं, गीता में यह भी बताया है कि मनुष्यों के किस आचरण से विश्व की धारणा होती है और किस आचरण को करने से विश्व का नाश होता है। पूरा पर्यावरण के प्रति अपनी जो दृष्टि है उसका सारा उसमें 6-7 श्लोकों में भगवान ने दिया है कि हम जो कुछ करते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्या, पर्जन्यात अन्न संभवा, अन्नात भवति भूतानी, ऐसा चलता है चक्र, लाइफ साइकिल जो है, सृष्टि, इकोलॉजिकल साइकिल पूरा दिया है कि इस चक्र, ये जो जो चक्र मेरे उत्पन्न किया है विश्व को चलाने के लिए, उसके अनुसार जो चलता है वो ठीक चलता है, इसको जो तोड़ता है वो पापी है, ऐसा सीधा कहा है। विश्व से जो लेते हैं वो विश्व को देना है, देने का नाम यज्ञ है। अपने परिश्रम से जो कमाया है वो बांटना है, अपने को जितना आवश्यक है उतना रखना, बाकी देना। तो आज वैश्विक समस्या जो है, मानवता कैसे जिए विश्व के साथ, उसका भी उत्तर उसमें है। आज दुनिया अलग अलग शब्दों में वही कह रही, हमारे पास एक 5125 वर्षों से ज्ञान पड़ा है हमारे यहां। संपूर्ण जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन भगवद्गीता में है।